और अगर हाँ आप में से कोई इंटरेस्टेड है ना ये पूरा सेटअप लेने में, तो भाई एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 15 मार्च 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। ब्रेकफास्ट में मैं आजकल स्प्राउट्स वाले वो चने आते हैं ना वो खाने लगा हूँ। पहले पोहा खाता था बट मम्मी गई हुई थी, आ तो गई है वैसे मम्मी कल रात को ही, बट अभी भी मैंने फिर भी मंगवा ही लिया। जो भी डिलीवरी वाले भैया आते हैं ना उनके पीछे पड़ जाते हैं वो, जब तक नीचे तक भाग नहीं जाते ना गेट पे खड़ा रहता है। मैं इसे इतनी बार अंदर बुलाता हूँ फिर भी नहीं आता। ये कहता है पहले भागो तुम हमारे घर से फिर मैं अंदर जाऊँगा, और वो भाई साहब इसकी थोड़ी हाइट वाइट और वेट व साइज देख के भाग भी जाते हैं, सबको लगता है काट ना जाए कहीं। कुछ व्लॉग पहले जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर व्लॉग में पिछली वीडियो से एक कमेंट उठाऊंगा, जो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया होगा मेरे बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, और उसका मैं आंसर दिया करूंगा। तो दो चार व्लॉग से मैं आंसर दे नहीं रहा था, मतलब मेरे भी दिमाग से निकल गया था, चलो आज का ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट अबाउट दैट लास्ट डॉग डिड ही मेट टू हिज ओनर। तो मैंने कुछ ब्लॉग पहले एक डॉग दिखाया था जो हमारी सोसाइटी के बाहर आ गया था, तो मैंने वो ब्लॉग में बोल भी दिया था ब्लॉग में कि भाई किसी का हो अगर ये डॉग तो हमें प्लीज़ ईमेल पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ईमेल आए मेरे पास बहुत सारे, बट पता है कहाँ कहाँ से आ रहे थे, मुंबई से, दिल्ली से। अब वो डॉग भाई मुंबई से उड़ के तो पहुँच नहीं गया गुड़गांव, तो फेक ईमेल से ऑब्वियसली बात है, बट उस डॉग का जो ओनर है वो हमें मिल गए थे। हमारी सोसाइटी के दो तीन गली छोड़ कर ही एक शॉप ओनर है, उनका वो डॉग था, बाकी ठीक है। और अपनी जो किट्टी है नीचे वो भी काफ़ी टाइम से बीमार थी, जब मैं जयपुर गया था तो मैं वापस आया ना, हरीश भैया ने बताया कि उसको भी मतलब फीवर वगैरह हो गया था, खाना पीना छोड़ दिया था, बट अब ठीक है। अभी मैं नीचे जाऊंगा तो मिलवा भी दूंगा आपको अगर होगी तो। मैंने ना ये टोटल दो मंगवा लिए है, खाऊंगा तो मैं अभी एक ही, बट एक ना शायद से मैं अभी मेरे को जाना है किसी शूट के लिए तो वहाँ पर मुझे भूख लग सकती है, इसलिए मैं ये अपनी गाड़ी में रख लूँगा और खा लिया जाएगा वहीं पर। फिलहाल तो एक ही खाऊंगा, एक से ज्यादा नहीं खाया जाता। एक तो ये चने और एक आती है मोठ, भाई दोनों मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना। काफी साल पहले की बात है जब हम गुड़गांव से पंजाब जाया करते थे ना, मेरी नानी का घर है वहाँ पे, तो हमेशा ट्रेन से ट्रेवल करते थे। भाई ट्रेन में आते थे ये चने वाले, मतलब काले चने वाले, नींबू वींबू प्याज व्याज डाल के इतना मस्त टेस्ट लगता था ना। उस वक्त 10 रुपये में काफ़ी सारे मिल जाते थे, मिलते ही नहीं अब भाई वो कहीं पर, तो इस तरह के रेस्टोरेंट से मंगवाने पड़ते हैं। और आपको पता ही है डिलीवरी करवाने में तो भैया टैक्स वैक्स इतना ले लेते हैं, जो 20-30 रुपये की चीज़ है वो भी जाके 100 रुपये की पड़ती है। बट वो दिन भी मस्त है भाई, मज़ा आता था ट्रेन में ट्रैवल करने का। वो भाई साहब हरी मिर्च दे दी, आपने खाया कि कभी ट्रेन में, ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Later that same evening. चलो काम था जितना वो सारा निपटा लिया है, शाम के 5 बज गए हैं। फिलहाल मैं अपने gamesfood.in के स्टोर पे जा रहा हूँ, कुछ खबर भी देनी है आपको, तो मोटो ब्लॉगिंग करते करते बात करते हैं। और अपने स्टोर जा रहे हैं तो हमेशा की तरह बाइक ही ले जाऊंगा क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़ी करने की कभी भी जगह ही नहीं मिलती। हट जो। तो ये जो मुझे बात करनी है वो मेरे लिए और आप में से भी कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ ही है एक तरह से। जिन लोगों को नहीं पता, 2020 अगस्त में मैंने अपना एक स्टोर स्टार्ट किया था और वेबसाइट स्टार्ट करी थी gamesfood.in के नाम से। सूक का मतलब होता है अरेबिक में मार्केट, यानी कि पूरा जो नाम है उसका मतलब है गेम्स की मार्केट। तो मेरा शुरू से जो एम था ना वो था कि भाई एक ऐसी मार्केट बनाना या ऑनलाइन मार्केट बनाना जिसमें आपको गेमिंग से रिलेटेड सब सामान मिले, जैसे कि गेमिंग कंसोल्स भी मिले, गेम्स भी मिले, गेमिंग पीसीज भी मिले, पार्ट्स भी मिले। तो इस विज़न से मैंने पूरा ये सब कुछ शुरू किया, बट कोविड की वजह से आप कह सकते हो या और भी चीज़ों की वजह से हमें स्टॉक कभी भी टाइम पे मिलता नहीं था। और शुरू के 2 महीने हमारी अच्छी सेल हुई, इतनी सेल थी कि मतलब जितना हमारा खर्चा था ना, देखो खर्चे में आपको गिनवाता हूँ कितनी चीज़ें होती है। एक तो स्टोर का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, 3 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट का मंथली मेंटेनेंस हो गया, अमेज़ोन के जो सर्वर खरीद रखे थे वो देना, उसका रेंट देना होता है हर महीने। कुल मिला के कुछ 60-70 हज़ार रुपये का ऊपर से खर्चा बैठता है, ये मेरे स्टोर का खाली, ठीक है। तो पहले 2 महीने सेल हुई, हमारा खर्चा निकल गया था, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 3rd महीने से ही ना, अराउंड नवंबर से आप लगा सकते हो, हमारी जो सेल्स है ना वो बहुत डाउन हो गई थी। अब वो इतनी डाउन हो गई थी उस टाइम पे, तो मतलब
पैसा कुछ इतना फील नहीं हो रहा था। मैं अपनी जेब से हर महीने 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये भरता था। मैंने सोचा कोई नहीं यार, बिजनेस है, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, अभी जेब से डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके प्रॉफिट ना सही, कम से कम जितना खर्चा वो तो निकलना शुरू होगा ही। बट भाई कंडीशन जो है वो उससे भी ज़्यादा बेकार होने लग गई। उस टाइम पर चलो थोड़ा बहुत तो स्टॉक मिल ही जाता था, बट अभी पिछले 2 महीने से ही बात करो, 2 भी नहीं 3 महीने ही कह सकते हो, जनवरी 2021 से ग्राफिक्स कार्ड का कहीं पर स्टॉक नहीं है। प्ले स्टेशन वालों ने प्ले स्टेशन बनाना छोड़ दिया, ठीक है, हार्डवेयर तो कुछ है ही नहीं, और खाली गेम्स बेच के बंदा कितना ही प्रॉफिट निकाल लेगा। तो इसलिए अब जो लॉस है ना भाई वो बहुत ज़्यादा होता गया। जनवरी में कुछ 26 हज़ार का लॉस था, सॉरी फरवरी में 40 हज़ार का लॉस था, और अब मार्च में पता है अभी कितनी 15 तारीख हो गई और एक भी पीसी नहीं बिका है। किस लिए नहीं बिका है? क्योंकि कार्ड ही नहीं मिल रहे। कार्ड मिल रहे हैं वो इतने महंगे हैं भाई, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये महंगे उनके ओरिजिनल प्राइस से, तो कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा। और अब मुझे ये नहीं पता कि ये कब तक सीन चलेगा। तो इस महीने अगर एक भी पीसी नहीं बिकता तो लगा लो अराउंड 70-80 हज़ार रुपये का मुझे लॉस होगा अपनी जेब से। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्या फ़ायदा, मतलब मैंने इतना पैसा भी लगा रखा है स्टोर में, स्टॉक भरवा रखा है और वो बिक ही नहीं रहा। प्रॉफिट तो छोड़ो, जितना एक्चुअल में खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा। तो उससे अच्छा मैंने सोचा फिर भाई स्टोर को बंद करने का टाइम आ गया है, और खाली स्टोर को ही नहीं gamesook.in को ही बंद करने का टाइम आ गया, क्योंकि खाली वेबसाइट से भी हम क्या ही कर लेंगे, एक्सेसरीज तो खाली बेचेंगे नहीं। इसलिए डिसाइड किया अब जितना स्टॉक है ना उसकी हम एक तरह से सेल लगा देते हैं स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर, कि दूसरी वेबसाइट या स्टोर पर जो आपको प्राइस मिल रहा है उससे हम बहुत सस्ता बेचेंगे, या फिर जितने रुपए में आया हुआ है उससे 100-200 रुपए ऊपर रख के, ताकि एटलीस्ट इस मंथ का खर्चा निकल जाए। तो जो भी स्टॉक अटका हुआ है वो सारा हम बेच देंगे इस 30 तारीख तक, मतलब मार्च की 30 तक, और उसके बाद भी अगर कुछ स्टॉक बच जाता है तो फिर भैया हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कोई डीलर्स हैं उनको स्टॉक दे देंगे, एटलीस्ट जितने में आया हुआ है हमें उतने में ही सही। इसलिए हमने अपनी gamesook.in की वेबसाइट को भी अंडर मेंटेनेंस डाल दिया, क्योंकि अब उस पर हम एक तरह से सेल नहीं करने वाले, बल्कि जो चीज़ें हम बेचेंगे सिंगल पार्ट्स भी बेचेंगे, जैसे जितनी भी रैम स्टिक्स पड़ी है हमारे पास, SSDs पड़ी है, मदरबोर्ड्स पड़े हैं, कार्ड तो खैर है ही नहीं, 2-3 कार्ड पड़े हैं गिनती के, बाकी प्रोसेसर्स पड़े होंगे, ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट पड़े होंगे, वो सब हम सिंगल सिंगल पार्ट्स करके वेबसाइट पे लिस्ट कर देंगे। तो आप में से जितने भी लोगों को ख़रीदना हो या फिर आपके दोस्तों ने ख़रीदना हो भाई, उन सबको वीडियो शेयर कर दो, वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो। प्राइजेज कोशिश करूँगा भाई पूरे कम से कम डालने की, बट थोड़ा मैं चाहता हूँ कि यार प्रॉफिट ना सही, बट एटलीस्ट जितना खर्चा है इस महीने के स्टोर का 70-80 हज़ार रुपये वो तो निकल ही जाए, और जितना स्टॉक है वो भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, ताकि अगले महीने का रेंट ना देना पड़े मुझे शॉप का, ठीक है। बाकी स्टोर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात है, क्या क्या स्टॉक में पड़ा हुआ है, और स्टॉक की वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अनमोल जायसवाल चैनल पे, इसमें बता के मतलब नहीं बनता। लेकिन आपने भी अगर कोई PC-VC बनवाना हो या फिर अभी कोई पार्ट्स लेने हो, फटाफट से भाई कॉन्टैक्ट करो हमें और अपना स्टोर पे आ जाओ। वेबसाइट पे तो खैर हम डाल ही देंगे 1-2 दिन में स्टॉक पूरा, तो आप जितनी जल्दी हो सके ख़रीद लो, ऐसे प्राइजेज आपको मिलने नहीं वाले कभी। हम तो बंद ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट अपना स्टोर, इसलिए बेच रहे हैं कम प्राइजेस में। लो भाई स्टोर भी आ गया है, वैसे पूरा एड्रेस मैंने स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो लोकेशन के साथ। वो रहा सेकंड फ्लोर पे, gamesook.in के नाम से बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। तो यार देखो अभी सीन क्या है, मैं ना 2-3 अलग अलग तरीके सोच रहा हूँ। एक तो मैंने आपको जो बताया कि हम सिंगल सिंगल कंपोनेंट्स ना अपनी gamesook.in की वेबसाइट पे लिस्ट कर देंगे आने वाले 1-2 दिन में, अभी वेबसाइट मेंटेनेंस पे डाल दी है, तो सारा कुछ स्टॉक वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जितना भाई वहाँ से बिकता है आप लोगों के काम आ जाए जितना वो स्टॉक, क्योंकि हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं, जितना प्राइस हमें पड़ा है उससे 100-200 रुपये ऊपर बेच रहे हैं, तो जितना मतलब आप लोगों तक पहुंच जाएगा हम वो बेचने की कोशिश करेंगे। दूसरा भाई आप में से ही ना बहुत लोग मुझे ईमेल करते थे पहले कि अनमोल भाई हमें भी ना पीसी पार्ट्स की या पीसी स्टोर खोलना है अपना, तो हमें बता दो कहाँ से सामान लेते हैं, क्या लेते हैं, या आप पार्टनरशिप में कर लो। इसके अलावा काफ़ी लोग तो ये भी कहते थे कि हमें gamesook.in की फ्रेंचाइजी दे दो। तो देखो यार ये जो नाम है ना, ये मतलब कह सकते हो मेरा बहुत बड़ा सपना था बहुत टाइम पहले का, तो ये मैं नाम तो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये हमेशा मेरा अपना रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में मैं वापस से कुछ शुरू करूँ जब मोटी इन्वेस्टमेंट होगी, जब हालात थोड़े से अच्छे होंगे, बट अभी के लिए भाई मैं अपना ये नाम जो है ना gamesook.in ये किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ये चीज़ कर सकता हूँ कि कोई बंदा अपना स्टोर खोलना चाहता है, चाहे वो गुड़गांव में ही खोलना चाहता है या किसी और सिटी में खोलना चाहता है, और वो चाहता है कि भाई उनको पूरी मेहनत वेहनत ना करनी पड़े, तो मैं उनको पूरा का पूरा स्टॉक एक साथ दे सकता हूँ काफ़ी अच्छे प्राइसिंग पे। मतलब हमें जितने का पड़ा हुआ है उतने में भी दे सकता हूँ अगर एक साथ कोई ले लेगा सारा, बाकी सिंगल सिंगल में तो हम ऑब्वियसली बात है थोड़ा प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि भाई स्टोर का खर्चा जो है 2-3 महीने का
वो कवर अप करना है। हालांकि उतना कवर अप नहीं हो पाएगा, लॉस मेरा ऑलरेडी हो चुका है बहुत सारा 4 महीने से पिछले, बट ठीक है यार, जितना सामान एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करी है वो तो बिक जाए, उस पैसे को कहीं और लगा दूंगा, मतलब ठीक है ना, समझ रहे हो। तो दूसरा तरीका ये हो गया, कोई इंटरेस्टेड हो भाई पीसी शॉप खोलने में अपनी, तो हमारे पास सारा हाईटेक सामान है। इसके रिलेटेड मैं एक स्टॉक की वीडियो भी बनाने वाला हूँ 2-3 दिन बाद अपने अनमोल जायसवाल चैनल पे, कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। प्राइसिंग सारी वेबसाइट पे है ही। और अगर हाँ आप में से कोई इंटरेस्टेड है ना पूरा सेटअप लेने में, तो भाई देखो मैं फ़ोन नंबर अपना प्रोवाइड कर नहीं सकता क्योंकि बहुत स्पैम कॉल्स आएगी, ईमेल पे भी रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा भाई, इस 30 तारीख तक यानी मार्च की 30 तारीख तक हमारा स्टोर ओपन रहेगा। तो प्लीज़ आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो इंडिया के किसी भी कोने में, एक फ़्लाइट या बस या ट्रेन पकड़ के प्लीज़ स्टोर पर आ जाओ और यहाँ पर आके बात कर लो सामने सामने कि क्या डील है, कितने का सामान है, कितने में हम दे रहे हैं। क्योंकि यार फ़ोन वोन पे मेरे को नहीं लगता हो पाएगी, इसलिए मैं करना भी नहीं चाहता, ना ईमेल पे ना इंस्टाग्राम पे। अपना यहाँ पर आओ, जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा वो भाई आ जाएगा, क्योंकि स्पैम करने वाले ही फ़ोन करते हैं फालतू के, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है, अभी लिस्टिंग बनाई जाएगी अगले 2 दिन में। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं व्लॉग भी कैसे करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मुझे स्टोर पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जो जो स्टॉक है उसका सबका एक PDF बनाना है लिस्ट में, कि कितना स्टॉक है, कितनी प्राइसिंग पे हमें पड़ा हुआ था, कितने में हमें एक्चुअल में आगे बेचना है, तो उस सब में टाइम लगेगा। मतलब कितना बड़ा वो सोचा था यार लॉकडाउन के वक्त कि यार चलेगा Gamesook.in, एक दिन ग्रो होगा, बट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। रतन टाटा सर है ना, वो हमेशा कहते हैं कि भाई अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो, हाथ पैर मारो तभी आप कमा पाओगे। बट वो ये भी कहते हैं कि जब भी आपका जो भी बिजनेस ना चले ना, जो लॉस में जा रहा हो उसको जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी बंद कर दो। तो देखो मैंने करना चाहता हूँ, मैं खाली YouTube पे नहीं रहना चाहता, पता नहीं YouTube कब तक है, कितना है, कैसी ग्रोथ है। मैं एक हमेशा से अलग से बिजनेस चाहता था अपना, तो उसी को सोचते हुए मैंने Gamesook.in स्टार्ट किया, बट नहीं चला। तो भाई अब देखो हर महीने अपनी जेब से 70-80 हज़ार रुपये भरना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, साल का मैं 10-9 लाख रुपये लॉस में अगर चल रहा हूँ इसी तरह से, तो वो कहीं पे लॉजिकल सेंस बनाता नहीं है। ऊपर से जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो पैसा भी अटका हुआ है, तो उससे अच्छा उस पैसे को यूज़ करके कहीं और ऐसे काम पे लगाओ जो एक्चुअल में चले, या फिर समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले 2-3 महीने से ही दिमाग में था कि क्या करूँ, चलाऊँ, बंद करूँ, थोड़ा टाइम रुकूँ ना रुकूँ, बट इस महीने तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया भाई, एक भी पीसी नहीं बिका, बहुत तगड़ा लॉस जा रहा है। तो मैंने फाइनली अब डिसाइड कर ही लिया कि यार ठीक है अब बंद करते हैं, देखेंगे कभी फ्यूचर में। तो आप में से देख लो भाई, आपके दोस्तों को लेना है पीसी पार्ट्स लेने हैं, या किसी रिश्तेदार को अपना स्टोर खोलना है या बिजनेस करना है, तो प्लीज़ उनके साथ ये ब्लॉग शेयर कर देना, उनका भी अच्छा हो जाएगा, हमारी भी थोड़ी सी भाई मदद हो जाएगी उस चीज़ से। मुझे यार ये पता है मैं सारा सामान ना बेच दूंगा, बट वो उसमें थोड़े महीने लग जाएंगे अगर मैं एक एक करके बेचने बैठूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक साथ ना बिक जाए, मतलब समझ लो लॉस हमें भी ना हो और जो खरीद रहा बंदा उसको भी प्रॉफिट रहे। तो यही है कि मार्च में निपट जाए यहाँ का काम पूरा, बाकी नहीं बिकता तो भाई फिर वेबसाइट चालू रहेगी, अपना प्रोडक्ट्स हम बेचते रहेंगे। और हाँ ये चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप खरीदते हो ना तो भाई हम प्रॉपर GST बिल के साथ आपको देंगे, क्योंकि हमने खरीदा भी GST पेड करके ही है, तो जेन्युइन है सारा, इंडियन प्रोडक्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बंद कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ स्कैम हो जाएगा ऐसा कुछ। और प्लस जो पीछे हमसे यूज़र्स PC ले भी चुके हैं ना भाई, उनको हमने प्रॉपर बिल दिया है GST वाला, तो फ्यूचर में उनका PC जो है वो अंडर वारंटी रहेगा हमेशा, वो सर्विस सेंटर से जाके या फिर ऑफिशियल स्टोर जो होते हैं इनके वहाँ से जाके रिप्लेसमेंट या अपना रिपेयर करवा पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम Gamesook.in का स्टोर बंद कर रहे हैं तो जिन्होंने खरीद लिया है या जो अभी हमसे खरीदने वाले उनका कुछ नुकसान होगा, आपका कोई नुकसान नहीं, आपका उल्टा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मार्केट से सस्ती चीज़ें मिलेगी, प्लस काफ़ी चीज़ें हमारे पास ऐसी पड़ी है इस टाइम पर जो कहीं पर भी नहीं है, जैसे राइजन 950 900X भाई इस वक्त मार्केट में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वो एक पीस पड़ा हुआ है, तो वो भी हम ऐसा स्टॉक, हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हुई है जो लोगों के काम आएगी। तो बस 2-3 दिन का वेट कर लो, वेबसाइट लाइव हो जाएगी, स्टोर का लोकेशन दे रखा है, जिसको स्टोर से लेना अपना यहाँ के ले लो। अगले 2 दिन हम यही काम करने वाले हैं, स्टॉक की पूरी काउंटिंग होगी और प्लस प्राइसिंग वगैरह सेट होगा। और किसी को अगर एक साथ ही पूरा स्टोर लेना है, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ है, तो वो प्लीज़ स्टोर पे आके ही बात करो, क्योंकि हमने पूरा सेटअप कर रखा है, आपको दिखता ही होगा स्टोर पे पूरा टेबल है, बाहर देखो ये पूरे शोकेसेस हमने बनवाए थे इतने महंगे, ये है ये पार्टीशन हमने बनवाया था, पूरा CCTV कैमराज का सेट है, ये फैंस है, बाकी ठीक है ये वाला पूरा PC टेबल बनवाया था L-शेप वाला। अब खाली फर्नीचर के लिए ना कोई एक बंदा मत आ जाना कि हमें सिर्फ ये टेबल खरीदना है या खाली वो शोकेस खरीदना है, भाई फर्नीचर एक साथ ही देंगे, जिसको अपना स्टोर खोलना हो या ऐसा कुछ बनाना हो वो प्लीज़ आ जाना स्टोर पे, पूरा सामान हम आपको अप्रैल के 1 तारीख के बाद दे देंगे।
इसके अलावा ठीक है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं काम निपटाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इस टाइम पे ना हमारे पास 3 ग्राफिक्स कार्ड पड़े हैं, 1660 सुपर, 3060 और 1650। अगर इन तीनों कार्ड का कोई भी पीसी बिल्ड करवाना है ना, तो भाई डिस्क्रिप्शन में 99 वाले फॉर्म का लिंक दे रखा है, वो फॉर्म आप भर दो, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो ये 3 पीसी तो हम बेच ही सकते हैं। अब हम नया स्टॉक कोई भी नहीं खरीद रहे कार्ड वार्ड का, जितना है बस वो निकाल रहे हैं। जैसे कि ये सारे मॉनिटर्स पड़े हुए हैं, ये MSI का बहुत तगड़ा 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर पड़ा है कर्व्ड वाला, हेडफोन्स का तो भाई भम्मार है हमारे पास, कम से कम 100 पीस पड़े होंगे हेडफोन्स के। इसके अलावा UPS पड़ा है 1500 VA, 1100 VA का। ये भाई देख लो कंट्रोलर, इस टाइम पे हार्डवेयर कहीं पे नहीं है PS4 का, FIFA 21 की डिस्क के साथ जो कंट्रोलर आता है, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट का ये लाल वाला कंट्रोलर है, नॉर्मल PC वाला कंट्रोलर है, कीबोर्ड माउस है गेमिंग वाले सारे, ठीक है। इसके अलावा मदरबोर्ड का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, पावर सप्लाई जोन सी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोसेसर भी हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, SSD, RAM, ठीक है, और अपना हार्ड डिस्क, वो सब कुछ है। इसकी एक प्रॉपर स्टॉक की वीडियो मैं अनमोल जायसवाल चैनल पे बनाने वाला हूँ, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस सारा का सारा स्टॉक जितना भी बिके, मतलब पड़ा होगा हमारे पास 2-3 दिन बाद, वो सब मैं वेबसाइट पे लिस्ट करवा दूंगा क्वांटिटी के साथ और प्राइसिंग के साथ, आप वहाँ से खरीद लेना जिसको लेना हो। इसके अलावा अपना कैबिनेट भी बहुत सारे हैं, बट हम कैबिनेट शिप नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई इनकी शिपिंग में ही 1000-1000 रुपये लग जाते हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं बनेगा। जिसको स्टोर से आके लेना हो भाई ले लो, बहुत सस्ते में दे रहे हैं। पार्ट्स की तो अब भमार लगी बढ़िया, पहले हम बेचते नहीं थे पार्ट्स, बट अब जिसको एक चीज़ भी लेनी है ना SSD भी, वो भी स्टोर पे आओ और ले लो। सारा कुछ डिटेल मैंने लोकेशन सब कुछ एड्रेस नीचे दे रखा है भाई डिस्क्रिप्शन में। और पूरा स्टोर का लुक दिखाऊं तो ये देख लो भाई, जिसको खरीदना हो फर्नीचर के समेत, ऐसा कुछ बना हुआ अपना स्टोर। बस ये नाम कभी नहीं मिलेगा GameSub.in, और अंदर इस तरह से है, ये एक टेबल है, यहाँ पर ये प्रिंटर विंटर PC सब निकाल देंगे एक साथ। पता नहीं यार, इस सब चीज़ की बात भी कर रहा हूँ ना वीडियो में, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कितनी चीज़ें सोच के शुरू किया था और अब फाइनली बंद करने का टाइम जो आ गया। ठीक है भाई, हो सकता है कुछ इससे ज़्यादा अच्छा लिखा हो आगे जाके। ओके जी, फिर मैं भी चलता हूँ यहाँ से, काम वाम निपटा ही लिया जितना था, बाकी अगले 2 दिन काफ़ी हेक्टिक रहने वाले हैं, पूरा स्टॉक का देखना है अच्छे से। बाकी चलो यार, मेरा अभी व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एंड करते आज के वो व्लॉग को। और भाई जितनी आपसे हो सके शेयर कर देना ये वाली और आने वाली 1-2 वीडियोज़ अनमोल जायसवाल चैनल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और किसी और का भी भला हो जाए, हमारा भी हो जाए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।